यस फाइनली शेमखोर मूवी को लेके एक्शन ले लिया यस। लेकिन वो एक्शन प्रेसिडेंट ने नहीं लिया है जिसको हम लोग ने ये मेमोरेंडम भेजा था, ना वो एक्शन लिया है गवर्नर ऑफ आसाम, ना चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ना बाकी ये सब लोग जिसको हम लोग ने ये मेमोरेंडम फॉरवर्ड किया था। लेकिन एक्शन आया है हम लोग का काउंसिल से, यस हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल से एक्शन आया है। और वो एक्शन आया है, नहीं आईमी बोरुआ का अगेंस्ट में नहीं आया है, वो एक्शन आया है पद्मा भंडारी का अगेंस्ट में। आप लोग सोच रहा होगा पद्मा भंडारी कौन है? पद्मा भंडारी डिमासा है, सिंगर है, उसका जो सॉन्ग्स है वो बहुत सारा डिमासा मूवीज में भी फीचर हुआ है। तो आप लोग कोई सोचेगा कि डिमासा मूवी में फीचर हुआ है? डिमासा लैंग्वेज में तो फर्स्ट मूवी तो ये शेमखोर ही बना था, तो शेमखोर मूवी में ये गाना था क्या? नहीं, शेमखोर मूवी में गाना नहीं था। एक्चुअली डिमासा लैंग्वेज में और भी मूवी बना है, लेकिन हाँ आपको तो शेमखोर मूवी फर्स्ट डिमासा लैंग्वेज फिल्म लगता होगा, कोई बात नहीं है, आपका गलतफहमी हम दूर कर देगा। पद्मा भंडारी एक वेरी पॉपुलर वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर है डिमासा लैंग्वेज में, और वो नौकरी भी करता है। उसका ट्रांसफ़र हो गया है, यस उसका ट्रांसफ़र हो गया है परसों को, एक्शन फाइनली ले लिया। तो अभी आप लोग सोचा होगा लेकिन पद्मा भंडारी का ऊपर में क्या एक्शन आया है और क्यों एक्शन आ सकेगा? क्योंकि क्या वो शेमखर मूवी में था नहीं क्या? हाँ वो शेमखर मूवी में एक्टिंग किया होगा, नहीं तो शेमखर मूवी में स्टोरी में लिखने में कुछ उसका पार्ट था नहीं क्या? नहीं, आप लोग गलत है फिर से। शेमखोर मूवी में पद्मा भंडारी ने एक्टिंग नहीं किया, ना कि वो उस शेमखोर मूवी का स्टोरी राइटिंग का टीम में भी था। तो क्या हुआ वो कन्फ्यूजन भी हम आप लोग को क्लियर करता है। ये जो मेमोरेंडम हम लोग ने सबमिट किया था 29 सितंबर को 2022 को, हाफलोंग में एक बहुत बड़ा रैली हुआ था, उसमें जितना भी डिमासा ऑर्गेनाइजेशंस है डिमासा में जो बेस्ड है वो लोग ये रैली का हिस्सा था, और उसके बाद में जॉइंटली सब ने ये मेमोरेंडम भेजा है। यहाँ आप देख सकता है जितना ऑर्गेनाइजेशंस था वो लोग सब सिग्नेचर करके ये मेमोरेंडम दिया था टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ में हम लोग को डिमांड था कि शेमखोर मूवी को बैन करना चाहिए, उसके बाद में आईमी बोरुआ से पब्लिक अपोलॉजी एंड टू टेक बैक ऑल हर फॉल्स स्टेटमेंट्स जो वो मीडिया के साथ में दिया था टिल डेट अबाउट शेमखोर, अबाउट द पीपल ऑफ शेमखोर। एंड देन जो क्लेरिंग जो चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसका डेथ हो गया था शूटिंग के बाद, उसका जस्टिस। सो दिस वेर द मेन डिमांड्स। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिग्नेचर दिया था, और रैली के बाद में ये मेमोरेंडम को हम लोग ने फॉरवर्ड कर दिया टू डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़। सो इस रैली के बाद में एक नया एक एक्शन कमिटी फॉर्म हुआ। अभी ये एक्शन कमिटी क्यों फॉर्म हुआ और इसका क्या ज़रूरत था? ये एक्शन कमिटी फॉर्म हुआ जिसका मेंबर्स ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसका मेंबर्स लोग ये एक्शन कमिटी का भी मेंबर है, प्लस ये एक्शन कमिटी में और भी जैसे कि डिमासा एक्टिविस्ट बोलो, इंटेलेक्चुअल्स बोलो, प्रोफेशनल्स बोलो, एनी वन हु वॉज रेडी टू फाइट फॉर दिस मूवमेंट टू टेक द लीड, वो लोग ये एक्शन कमिटी का मेंबर हुआ है। और वो एक्शन कमिटी का नाम है डिमासा राइट्स प्रोटेक्शन एक्शन कमिटी। तो ये जो एक्शन कमिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी सिर्फ एक एक्शन कमिटी बनाया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डिमासा पीपल। क्योंकि इस एपिसोड से हम लोग को मालूम हुआ है कि आने वाला फ्यूचर में और भी खतरा है, और भी ऐसा अटैक हो सकता है, तो शायद और भी कम्युनिटीज़ का ऐसा एक्शन कमिटी बनना चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी जो है वो लोग का और अलर्ट भी होना चाहिए। सो ये एक्शन कमिटी जो है उसका फॉर्मेशन होने के बाद में इसका कन्वेनर बनाया और चीफ कन्वेनर बनाया। जो चीफ कन्वेनर था ये एक्शन कमिटी का, वो सेलेक्ट किया गया मिसेस पद्मा भंडारी। पद्मा भंडारी एक वेरी वेल नोन आर्टिस्ट है, वो आर्ट को समझता है,
और प्लस सोशली एक्टिव आदमी है। सो इसलिए सब ने मतलब डिसाइड किया कि पद्मा भंडारी को चीफ कन्वेनर बनाने के लिए ये एक्शन कमेटी का। बाय द वे देर आर अदर कन्वेनर्स ऑल्सो। सो तब से लेके पद्मा भंडारी हैज़ बीन वेरी एक्टिव, बहुत सारा मीटिंग्स कॉन्डक्ट कर चुका है अभी तक। हिम्मत करके जब निकला था तो साथ ही साथ उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। ये कौन सा नया टेक्निक है ये? क्या ऊपर और मालपुरा जो टेक्निक होता है ये टेक्निक को आजमा रहा है नहीं क्या? ना ऊपर और मालपुरा प्रेशर टू मतलब हम लोग का काउंसिल का ऊपर में भी आ गया, मतलब काउंसिल का ऊपर में भी ऊपर और माल का इतना प्रेशर आ गया अभी कि अभी पद्मा भंडारी जो एक सिंगर है जो डिमासा सोसाइटी के लिए और डिमासा कल्चर को इतना दुनिया के साथ में प्रमोट करके आया है, उतना प्रमोट करके आया है जो कभी आइमी बोरुआ जो खुद को बोलता है कि डिमासा कल्चर को प्रमोट कर रहा है, आइमी बोरुआ उतना भी नहीं कर सकेगा जितना पद्मा भंडारी और उसका फैमिली, नॉट जस्ट पद्मा भंडारी, उसका फैमिली, उसका भाई, उसका पिताजी एक रिनाउंड फोक आर्टिस्ट है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, जिसको अवार्ड भी मिला है, स्टेट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। पद्मा भंडारी खुद कितना अवार्ड्स जीता है, डिमासा को रिप्रेजेंट किया है, हम लोग को जगह को रिप्रेजेंट किया है। तो आज मतलब सडनली मतलब ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली अभी गवर्नमेंट बोलेगा कि वी हैव द लिबर्टी, कभी भी हम ट्रांसफर कर सकता है। यस गवर्नमेंट कर सकता है, बट टाइमिंग बहुत अच्छा मेंटेन किया है। यू नो टाइमिंग में कुछ तो ऊपर और माल का चक्कर है लग रहा है। और ये टाइमिंग सिर्फ इसके साथ नहीं है। तो ये तो एक हो गया एक्शन कमेटी का जो चीफ कन्वेनर है, जो अभी लीड ले रहा है, जो डीसी को जाके मिल रहा है, जो एसपी को जाके मिल रहा है, जो क्लेरिंग का फैमिली को जाके मिल रहा है, अकेला नहीं कमेटी को लेके लिए लीड कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नेक्स्ट मतलब हम लोग को स्टेप किया होगा पब्लिक के साथ में शेयर कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर देना या हाफलोंग से चला जाओ सो दैट काम करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ये क्या मतलब मूवी का कुछ ये लग रहा है नहीं कि आप लोग को साउथ इंडियन मूवी का कुछ स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है नहीं क्या? लेकिन उसमें सिर्फ नहीं रुकता है, जैसे कि हमने बोला और एक प्रेस रिलीज निकलता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें मतलब पूरा डिमासा लोग को फिर से मतलब यू नो डिमासा कम्युनिटी द विलेन बोल की। और ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, और जो लोग ये स्टेटमेंट निकालता है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ही आदमी है, तो वो लोग प्रेस स्टेटमेंट में देता है मतलब पूरा कितना खतरनाक है डिमासा लोग, मतलब कितना यू नो डेंजरस। ये व्हाट्सएप में अभी स्प्रेड हो रहा है, बिकॉज व्हाट्सएप में स्प्रेड हो रहा है, इवन तो प्रेस रिलीज बोल के लिखा है लेकिन बिकॉज व्हाट्सएप में हो रहा है इसलिए हम उसको ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं देगा अभी। अगर ऑफिशियली कुछ निकलता है कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो अलग बात है, लेकिन डाइवर्शन टैक्टिक, डिवाइड एंड रूल, यू नो डिवाइड एंड रूल। अगर हम लोग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में आपस में हम लोग लड़ेगा अभी तब तो यू नो हम लोग को दूसरा को क्या बोलेगा? शेमखोर का डायरेक्टर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, फिल्म मेकर, स्टोरी राइटर, यू नो वो लोग के बारे में क्या बोलेगा? अगर हम लोग को यहाँ में अगर खुद के बीच में फिर झगड़ा शुरू कर देने से, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। और स्टेटमेंट भी वो लोग ने दिया है जो मतलब ऊपर और माल के साथ में बहुत अच्छा दोस्ती है, ऊपर और माल के साथ में बैठक होते रहता है। सो यू नो जो आई डोंट नो ये कहाँ से है ऊपर और माल की, सबका ऊपर में कहाँ कहाँ से क्या क्या गेम खेल रहा है। थर्ड डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मतलब जो काउंसिल से मतलब ये ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है, जो काउंसिल का लोग मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ओपनली मतलब डिमासा कम्युनिटी को ऐसा मतलब खूनी दरिंदा जैसे दिखाना चाहता है प्रेस रिलीज देके, उसके बारे में चुप रहता है ये काउंसिल,
यू नो वो काउंसिल जिसको हम लोग ने मेमोरेंडम में भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड सील्स ऑटोनोमस काउंसिल प्लस हम लोग का मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ आसाम हम लोग का खुद का डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर वो लोग का रोल क्या है, वो लोग क्या कर रहा है। ठीक है कोई तो ट्रांसफ़र हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन को तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, यू नो इवन दो इतना कॉमनली डिवाइसिव वाला स्टेटमेंट्स देने के बाद में भी। सो ये काउंसिल क्या गेम चल रहा है वो लोग का, क्या क्या कहाँ में बिजी है वो लोग, कहाँ में बिजी है वो लोग। फेस्टिवल और एक टैक्टिक माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आदमी लोगों कब तक यू नो गुस्सा में रहेगा, कब तक आक्रोश में रहेगा, कब तक दुख और इंसल्टेड फील होगा। अगर अगर डिमासा कम्युनिटी को इंसल्ट हुआ है तो गाना बजाओ, डांस करो, जुडीमा पियो, फेस्टिवल, जटिंगा फेस्टिवल। चिड़िया आ रहा है, रात में चिड़िया को देखो। कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, टू कंजर्व द बर्ड्स, क्योंकि जटिंगा में अभी का टाइम में चिड़िया आता है। जो मालूम नहीं है ये फेनोमेना गूगल कर लो। अभी का सीजन में जटिंगा पहाड़ में मूनलेस नाइट इस सीजन में जब भी होता है और शाम को अभी फॉगी होने शुरू हो जाता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। पहले लोग बोलता रहा कि सुसाइड करता है, और जब ब्राइट लाइट्स आप लगा देता है रात को अंधेरा में जब फॉग होता है, वो ब्राइट लाइट्स में चिड़िया अट्रैक्ट हो जाता है। और पहले तो हंट भी करता रहा, लेकिन आदमी को अवेयरनेस देना है और फेस्टिवल से बड़ा अवेयरनेस क्या है, इसलिए क्या करेगा, हम लोग जहां में रात में चिड़िया आता है उधर में ही बड़ा बड़ा लाइट जला देगा और म्यूजिक, डिस्ट्रिक्ट, जहां चिड़िया आता है उधर ही। क्यों? क्योंकि चिड़िया लोग को लाउड साउंड और लाइट्स, ब्राइट लाइट्स एकदम पसंद है। ये जो चिड़िया आता है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो लोग का जो रास्ता है, वो रास्ता में अगर आप रात में लाउड साउंड्स बजा देगा और मतलब लाइट जला देगा तो चिड़िया लोग एकदम एंजॉय करेगा। कोई कोई चिड़िया लाइट में जाके टुंग लक्की गिर जाएगा, मर भी जाएगा, वही तो एंजॉयमेंट चाहिए। और चिड़िया लोग को लाउड साउंड्स पसंद है, तो जहाँ वो लोग रात में जहाँ रास्ता से जाता है उधर लाउड साउंड्स बजा दो, चिड़िया लोग भी डांस करेगा, वही तो चाहिए, यही तो चाहिए। ऐसे ही तो कंजर्व होगा चिड़िया लोग, और भी चिड़िया आएगा कल नेक्स्ट ईयर। कोई कोई सोचता होगा ऐसा 1900 चिड़िया लोग तो अपना रूट चेंज कर देगा होगा शायद, व्हाई आर वी डिस्टर्बिंग द बर्ड्स। ये सब कोई कोई ओवर स्मार्ट इंटेलेक्चुअल यू नो ये लोग ऐसा सोचता है, एनवायरमेंटलिस्ट ना क्या क्या जो बोलता है, बर्ड एक्सपर्ट्स, आप लोग गलत है। चिड़िया लोग भी बहुत इवॉल्व हो गया, आदमी जैसे हो गया आजकल। चिड़िया लोग भी मालूम है कि अरे हम लोग को लिए फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ से हम लोग रास्ता से गुजरता है उधर में लाउड साउंड और लाइट्स लगाएगा तो वी लाइक इट, हम लोग भी आके ज्वाइन करेगा वो फेस्टिवल में, हम लोग भी ज्वाइन करेगा। चिड़िया लोग भी आजकल इवॉल्व हो गया है, चिड़िया लोग को चाहिए ये सब, इसलिए जहाँ में चिड़िया आता है ये सीजन में उधर में ये सब होना चाहिए। चिड़िया लोग कहाँ भागेगा, चिड़िया लोग और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ईयर में वो लोग अपना दोस्त को बोलेगा चलो हम लोग का नाम में फेस्टिवल हो रहा है और भी चलो हम लोग लाइट में जाएगा, ब्राइट लाइट्स में, लाउड साउंड में, अच्छा लगता है चिड़िया लोग को। वो लोग डरता नहीं है। आप कल एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपका घर में भी चिड़िया अगर आता है ना आसपास, वो उस सामने में जाके जोर से साउंड बजा दो और लाइट मार दो, आप देखो अट्रैक्ट होगा उधर में, वो नहीं भागेगा। अभी कोई बोलेगा कि नहीं आपका ये बात गलत है, चिड़िया लोग को इफेक्ट होगा, एक्सपर्ट्स लोग बोलेगा, नहीं हम तो बोलता है कि इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी क्या बोलेगा, एक्सपर्ट्स लोग है वो लोग बोलेगा कि नहीं गलत है, ये चीज़ गलत है। बट टूरिज्म तो चाहिए। हम लोग का काउंसिल बार बार बोल रहा है टूरिज्म 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 इज़ द फ्यूचर, टूरिज्म से पैसा आएगा।
क्यों नहीं चाहिए टूरिज्म? टूरिज्म चाहिए बिकॉज टूरिज्म से ही पैसा आएगा। अभी हम लोग का इतना सुंदर पहाड़ है, हम लोग का नेचर है, टूरिज्म से ही पैसा आएगा। तो टूरिज्म का काम करने में क्यों कंप्लेन कर रहा है? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। टूरिज्म से अभी टूरिस्ट लोग आ रहा है, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के बारे में मालूम हो रहा है, हाँ डिस्ट्रिक्ट फेमस भी हो रहा है और पैसा भी आ रहा है। क्या चाहिए और? दिस इज द मॉडल, दिस इज आर फॉर्मूला जिससे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा। क्यों टांग ला रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बोलेगा? इसलिए आप लोगों को हम प्रूफ दिखाएगा कि मतलब टूरिज्म से कितना अच्छा हो रहा है हम लोगों का। तो देखो यहाँ में जो लास्ट सेशन हुआ था 2021 को, 26 नवंबर को, तब मैंने सवाल भी किया था। ये देखो, इज देयर ए मैकेनिज्म प्रोविजन टू डॉक्यूमेंट द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर एंटरिंग डिमा? इफ यस, काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द सेम एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु हैव विजिटेड द डिस्ट्रिक्ट इन 2021 टिल डेट। तो जवाब देखो, जवाब आया, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिमाहासाओ हाफलोंग डू नॉट पोजेस एनी डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट सर्कुलर वेर इन मैकेनिज्म और प्रोविजन इज देयर टू डॉक्यूमेंट द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर एंटरिंग डिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ में लिखा कि कुछ भी सर्कुलर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, और कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकता है कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में कितना टूरिस्ट आता है। उसके बाद हाउएवर एज ऑफ नाउ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टूरिस्ट और विजिटर्स हु विजिटेड डिमा हासाओ इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल होटल्स लॉजेस एंड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द विजिटर्स कमिंग बाई विस्टाडोम टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टूरिस्ट और विजिटर्स विजिटेड डिमा हासाओ ड्यूरिंग 2021 अप टू 31/10/2021 इज एस्टिमेटेड टू बी 7,570। वाह, मतलब अभी तक जितना टूरिस्ट और विजिटर्स आया है डिमा हासाओ में, उसका डेटा टू कलेक्ट किया है फ्रॉम होटल्स एंड लॉजेस, जितना होटल और लॉज है उससे डेटा कलेक्ट किया है, और जो विस्टाडोम टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन जो है हम लोग का, उसका डेटा कलेक्ट करके 2021 मतलब लास्ट ईयर को ये क्वेश्चन पूछा था, तो लास्ट ईयर 2021 को अप टू 31/10/2021 मतलब 31 अक्टूबर 2021 तक लास्ट ईयर में 7,570 टूरिस्ट आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच रेवेन्यू हैज़ बीन जेनरेटेड थ्रू टूरिज्म इन 2021 टिल डेट? तो जवाब ये है CEM ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल का, टूरिज्म सेक्टर ग्लोबली हैज़ बीन पैरालाइज ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। द कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द स्मॉल टूरिज्म इंडस्ट्री इन डिमा हासाओ एज वेल। नाउ दो द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इज सबसाइडेड इन डिमा हासाओ, टूरिज्म इंडस्ट्री इज रिकवरिंग एट ए स्नेल्स पेस। Usually, Tourism Department Dima Hasao receives revenue from the assets leased out to private parties. In 2021, this office has not received any revenue till date. Wow, kya baat hai! 2021 mein matlab kuch bhi revenue receive nahi kiya abhi tak office of the director of tourism Dima Hasao. कुछ भी रेवेन्यू अभी तक कलेक्ट नहीं किया बोला, और क्या बोला है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक का वजह से थोड़ा हिट हुआ है टूरिज्म, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब स्नेल स्पेस में जा रहा है। लेकिन आपको पहले का क्वेश्चन में फिर हम लेके जाता है, 2021 में अप टू अक्टूबर मतलब नवंबर और दिसंबर को तो छोड़ दिया जहाँ में टूरिस्ट एक्चुअली ज़्यादा आता है, टिल अक्टूबर 7,570 टूरिस्ट आया बोला। ये तो आई थिंक एक रिकॉर्ड होगा, 7,570 टूरिस्ट कभी भी नहीं आया है इतना, जितना तक तो मेरा जानकारी है इवन एज ए ले मैन। और लास्ट ईयर बहुत टूरिस्ट आया, हम लोग को मालूम है, नया नया विस्टाडोम ट्रेन आया, थुमजांग जैसे नया जगह एक पॉपुलर स्पॉट बन गया। सो 7,570 आदमी आया आपका डेटा है, लेकिन रेवेन्यू जीरो कलेक्शन हुआ, ये कैसा? बहुत अच्छा काम कर रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही आएगा, मतलब रेवेन्यू ऐसे ही जनरेट करेगा हम लोग आने वाला दिन में भी,
ना जीरो का आगे में और जीरो लगेगा, ना पीछे में और जीरो लगेगा। ठीक है ठीक है, अभी कोई कोई लोग बोलेगा कि अरे यार इन्वेस्टमेंट तो पहले करना पड़ता है ना, पहले इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है, पहले में लॉस में जाता है, पहले मूल जो बोलता है हिंदी में हम लोग, मूल में पहले आएगा हम लोग, पहले हम लोग का इन्वेस्टमेंट रिकवर करेगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आएगा। अभी तो डिमा हसाओ नया नया टूरिज्म में घुसा है ना। बाय द वे जाटिंगा इज वर्ल्ड फेमस सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम। डिमा हसाओ का ब्यूटी भी बहुत लोग मालूम है बहुत पहले से, जब हम छोटा था तब से भी टूरिस्ट लोग आता है, फॉरेन टूरिस्ट भी तब से आता है। हम कितना बार फॉरेन टूरिस्ट को मिला है जब हम स्कूल में पढ़ता था। टूरिज्म खाली आज ही डेवलप नहीं हुआ है, टूरिज्म इज समथिंग विच यू नो हम लोग का लोग पहले से भी हम लोग प्रैक्टिस करता था। लेकिन हाँ डेफिनेटली आजकल पैसा ज़्यादा फेंक रहा है टूरिज्म का नाम में, पहले इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था। लेकिन क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, दम है तो करेगा ना, दम है हम लोग के पास, पैसा है तो हम लोग के पास पैसा है, हम लोग टूरिज्म में ढालेगा हम लोग को, अभी रिटर्न आएगा ना, जितना हम लोग ढालेगा और रुकेगा रुकेगा रुकेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा तो बाद में बम्पर पैसा आएगा। तो यस, तो चलो, लेकिन एक बात है पैसा कितना लगाया वो तो थोड़ा हम लोग को भी जानना चाहिए ना, क्योंकि पैसा तो अपना पॉकेट से तो कोई नहीं देता है, पर्सनली तो कोई पैसा नहीं फेंक रहा है टूरिज्म में, ये तो पब्लिक मनी है, गवर्नमेंट जो काउंसिल जो पैसा स्पेंड कर रहा है टूरिज्म में, तो वो तो पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक को भी थोड़ा तो हिसाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक लोग तो कल हम लोग को मारेगा ना, हमको भी तो मारेगा, सबको मारेगा कि कहाँ जा रहा है हम लोग का पैसा। तो यस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसलिए हम लोग को बताना चाहिए कि क्या कैसे स्पेंड हो रहा है पैसा, कहाँ में कितना स्पेंड हो रहा है। तो चलो इसको लेके एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन था कि काइंडली प्रोवाइड डिटेल्ड बजट्स ऑफ जटिंगा फेस्टिवल 2021 एंड फेल्कन फेस्टिवल 2021, काइंडली प्रोवाइड द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द एफोरमेंशन फेस्टिवल्स। तो चलो रेस्पॉन्स क्या है देखता है, सीईएम ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल का रेस्पॉन्स है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट डिमा हसाओ हैज़ नॉट केप्ट एनी बजट प्रोविजन फॉर जटिंगा फेस्टिवल 2021 एंड फेल्कन फेस्टिवल 2021। इतना ही ना, और रिप्लाई दिया है काइंडली प्रोवाइड द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द एफोरमेंशन फेस्टिवल्स तो बोला है, वो कहाँ है, नेक्स्ट पेज नहीं, एंड ऑफ आंसर। जटिंगा फेस्टिवल लास्ट ईयर का 2021 और फेल्कन फेस्टिवल 2021 का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ बजट प्रोविजन नहीं रखा है बोला। तो किसका अंडर में हो रहा है ये? ठीक है टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाय द वे पोस्टर में तो सब इन एसोसिएशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट लिखा है, तो अच्छा ठीक है काउंसिल से तो पैसा दे रहा है ना, इसलिए तो लिखा है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल प्रेजेंस बोल की। तो अब बता दो, सेकंड क्वेश्चन था काइंडली प्रोवाइड द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द एफोरमेंशन फेस्टिवल्स, नो रिप्लाई। सो पैसा आ कहाँ से रहा है? जुबिन नोटियाल आया, जुबिन नोटियाल को कितना पैसा दिया होगा फेल्कन फेस्टिवल में? शेफाली अल्वेरस, अल्वेरस ना अल्वारस सॉरी, वो आया, कितना दिया होगा पैसा? लोकल ट्रेन आया, बाय द वे नाम लोकल ट्रेन है, वो बैंड को पूरा गुवाहाटी तक तो फ्लाइट से लेके आने लगा, ट्रेन से तो नहीं। सो वो लोग का कितना लाख रुपया गया होगा? शंकुराज को कितना दिया होगा? और बहुत सारा है, बहुत सारा प्रोग्राम था उसमें। कहाँ से पैसा आया तब तो? कहाँ से पैसा आया? कितना पैसा गया होगा उसमें? वी डोंट नो। जटिंगा फेस्टिवल 2021 में डिप्लिना डेका आया, इंग्लिश मेकर आया, व्लॉग बनाया। डेवलपमेंट मेकर को शायद पूछना पड़ेगा कि इंग्लिश मेकर व्लॉग को भी कितना दिया है पैसा और कहाँ से आया पैसा। तो बजट ही अगर मालूम नहीं है, सोर्स ऑफ फंडिंग ही अगर मालूम नहीं है, तो रेवेन्यू कितना जनरेट होता होगा? इतना साल से जो हम लोगों एवरी ईयर ये सब फेस्टिवल्स में इतना सारा पैसा जो
अभी इतना सारा है ना, कम पैसा है, हम कैसे बोलेगा कितना फेंका तो मालूम नहीं है। तो इतना सारा जो पैसा फेंका तो उसका रिटर्न में कितना आया, रेवेन्यू मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आया वो तो कैसे मालूम होगा, कितना स्पेंड किया वही मालूम नहीं हो रहा है। बाकी फेस्टिवल्स में भी ऐसा होता है क्या, जो मतलब जिसमें गवर्नमेंट लोग फंडिंग करता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता होगा ना, चलो गूगल करके देखता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, कितना होता होगा रे फंडिंग? वो लोग भी मालूम नहीं होगा नहीं क्या, चलो गूगल करता है। ओ नहीं, वो लोग मालूम है, वो मालूम है वो लोग। इनफैक्ट सेशन में जब एमएलए कुछ सवाल पूछता है तो जवाब भी देता है कि हाँ इतना है, इतना करोड़ का फंडिंग है बोल के। वाह, वो लोग का तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का फंडिंग है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक स्टेट का पूरा बजट में होता है तो ऑब्वियसली होगा, हम लोग तो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग तो एक स्टेट है। लेकिन रेवेन्यू शायद वो लोग भी मालूम नहीं होगा ना, वो लोग भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न कैसे मालूम होगा, रेवेन्यू मालूम नहीं होगा वो लोग शायद। ओ नहीं, मालूम है वो लोग रेवेन्यू। ओ अच्छा, ओ वाह, इतना रेवेन्यू आता है, वाह, इन्वेस्टमेंट का डबल आ रहा है रेवेन्यू, वाह। और इतना लोग भी एम्प्लॉय होता है उससे, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन। अच्छा, नेक्स्ट फेस्टिवल और बोनाइडिया चीफ गेस्ट मिसेस आईमी बरुआ, आरो ভাল হব, আৰু আৰু ফান্ডিং পাব। এণ্ড মে বি দিছ টাইম ফান্ডিং আপ বোল সকেগা কি একচুয়ালি কিতনা ফান্ডিং হে। লেকিন ইয়ে ডাইভার্সন টেকটিক জো হে, তিন তিন ডাইভার্সন টেকটিক, জো কিসি কা ট্রান্সফার হো জানা, সডেনলি কিসি কা প্রেস রিলিজ আ জানা ফর কমিউনাল ডিভাইড, অর ফেস্টিভাল করনা, ইয়ে ডাইভার্সন টেকটিক তো ও লোক কা উপর মে কাম করেগা, জো নম্বর ওয়ান जो ऑलरेडी डिमासा कम्युनिटी का अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो लोग तो ऐसे भी कर रहा है, अभी भी वो लोग तो जोर से करेगा, इसलिए ये डाइवर्शन टेक्टिक में वो लोग जम के पार्ट लेगा। दूसरा वो लोग को ऊपर में काम करेगा जो जो बुद्धू है, हेरे गिबिर बुला इलियाबा डाइवर्शन टेक्टिक हला पुंशिला ठांगमा, जिसका दिल में जो सेंटिमेंट है और प्यार है अपना कम्युनिटी के बारे में, वो ऐसा डाइवर्शन टेक्टिक में नहीं जाएगा, तो हम तो नहीं जाएगा, और भी बहुत लोग हैं हम मालूम है ऐसे सोचने वाला, हम नहीं जाएगा, हम कर लेगा एन्जॉयमेंट चिड़िया के साथ जाके, वो लोग को ऐसे डिस्टर्ब भी नहीं करना है, हम कर लेगा अपना से एन्जॉयमेंट, अपना घर में हम एन्जॉयमेंट कर लेगा, गाना सुन लेगा, अपना गिटार हम बजा लेगा। लेकिन हम ये डाइवर्शन टेक्टिक में जाके अपना कम्युनिटी का जो बेइज्जती हुआ है उसमें हम भाग नहीं लेगा। आई एम लेटिंग एवरीवन नो कि हम तो ये डाइवर्शन फेस्टिवल को बॉयकॉट कर रहा है, जस्ट लाइक शेमखोर मूवी को बॉयकॉट किया था। अल्टीमेटली मूवी तो थिएटर से तो हट गया, लेकिन अभी उसको बैन कर रहा है, बैन करने के लिए हम लोगों लड़के हैं, और आईमी बरुआ से तो हम लोगों माफ़ी तो अपोलोजी तो ले गए, और पनिशमेंट भी जिस जिसको पनिशमेंट मिलना है वो लोग को भी मिलना है, वो तो हम लोगों लड़ ही रहा है। आने वाला दिन में और भी हम लोग प्रोग्राम रखा है, वो होगा रियल फेस्टिवल, आने वाला है। हम लोग का फेस्टिवल डेट्स अनाउंस नहीं हुआ है, हम लोग का जम के फेस्टिवल होने वाला है, डिमासा फेस्टिवल। तो डिमासा फेस्टिवल सबके लिए वेलकम है, एवरीवन इज़ इन्वाइटेड टू कम। जो लोग डाइवर्ट करता है, जो लुकुन जात को बेच दिया है, जो लुकुन बुरबक है, जो अभी भी कुछ नहीं समझता है, वो लोग तो चिड़िया को डिस्टर्ब करने वाला फेस्टिवल में जाएगा। लेकिन हम तो डायरेक्टली बोल रहा है आज का रात में कि हम तो ये सब वाला तो बॉयकॉट, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द डिमासा फेस्टिवल लाइक मेनी ऑफ अस आर डूइंग। तो जो जो वो फेस्टिवल के लिए
रेडी हो रहा है, आप लोग भी बॉयकॉट करो ये डाइवर्शन फेस्टिवल को। गुड नाइट, जुठाए।